नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर फरकाबाद चैनल की खबर का हुआ जबरदस्त असर। भाजपा समर्थित अपना दल विधायक सुरभि के पति की 10,000 रुपए प्रति माह आय का सर्टिफिकेट बनाने का मामला चर्चा का विषय बना था। जी हां, कायमगंज विधायक के पति का 1,20,000 रुपए सालाना का राजस्व विभाग ने बनाया था आय प्रमाण पत्र। चैनल पर खबर चलने के बाद जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने इस पर बड़ा संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को जांच कर निरस्त करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से विधायक पति का आय प्रमाण पत्र किया कैंसिल। विधायक पति की आय कम दर्शा करके प्रमाण पत्र बनाने वाले पर होगी कार्यवाही, एडीएम बोले। फरखाबाद के सदर तहसील का मामला, जहां पर चैनल पर खबर चलने के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने इस पर बड़ा संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को जांच कर आय प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दिए हैं। खास रिपोर्ट रघुवंश दुबे के साथ। सर, एक आय प्रमाण पत्र जारी हुआ था विधायक के पति का, आपने उस पर क्या कार्रवाई की है सर? देखिए, एक जानकारी हुई थी जो है, उसमें हम लोगों ने जांच कराया जो है, और जांच कराने के बाद जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। और उसके लिए अगर कोई दोषी होगा, जो भी आदमी दोषी है, इस तरीके का अगर जारी किया गया है तो उस पर कार्रवाई। कहीं और भी इसको इस्तेमाल किया गया है? ये अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कहीं और इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन यह है कि जैसे ही जानकारी मिली उसको तत्काल तहसीलदार ने निरस्त कर दिया। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में नाक कान गले के रोगों की समस्याओं का सफल इलाज। ENT रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर लव कुमार, MBBS DLO मिलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। हमारा पता प्रथम तल नगर निगम मार्केट, जिला अस्पताल के सामने स्पीड कलर लैब के ऊपर फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9675770146, 7798904825। मैं डॉक्टर लव कुमार यादव, ENT सर्जन, जो कि सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की मार्केट में क्लिनिक है मेरा। मेरा जो टाइमिंग है यहाँ 11 बजे से लेके 3 बजे तक है। सोमवार से लेके शनिवार तक मैं डेली यहीं बैठता हूँ अपने क्लिनिक पे। मेरे क्लिनिक पे सारी सुविधाएँ हैं, इलाज की भी सुविधा है और सभी तरह की नाक कान गले की सर्जरी की भी सुविधा है। मैं हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो बाहर से रेफ़र होके आते हैं, जो कुछ बच्चे आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनमें से किसी को दिक्कत आती है कि उनके पर्दे में छेद है, उनके पर्दा ही नहीं है। ऐसे लोगों के भी इलाज की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है, जो ऑपरेशन बगैर कट लगाए किया जाता है, उसमें कोई टाँका या चीरा नहीं लगता है, उस ऑपरेशन की भी सुविधा है। नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी है उसको सीधा करके ऑपरेशन करने की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ।